सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सैमसंग के वन यूआई 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 अपडेट के एक बहुत ही कमाल के ब्रांड न्यू फीचर के बारे में। अगर आप लोग एक सैमसंग का डिवाइस यूज करते हो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को ये वाला जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि है कलर पैलेट। इसको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए आप लोगों को अपने फोन है उस पर यहाँ पर प्रेस करके रखना है और वॉलपेपर वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रांड न्यू ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि है कलर पैलेट। यहाँ पर गाइज आप लोग जैसा कि देख सकते हो कलर पैलेट है, उसके अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो लेआउट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इस फीचर के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है अभी वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो का लाइक टारगेट है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ ओनली 100 लाइक। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक भी यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ इस कमाल के फीचर के बारे में, इस फीचर की मदद से आप लोग अपना जो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है इसके जो कलर है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और आपका जो फ़ोन डायलर है इसके जो कलर है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और आपके फ़ोन की जो सेटिंग है इसके जो आइकन के जो कलर है उसको भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये वाले ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये तो आपको डिफॉल्ट जो कलर है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये आपको ऑरेंज का जो कलर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये आपको येलो कलर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ये ब्लू कलर देखने को मिलता है, और ये पूरा आपको कलर ब्लू है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये वाला मैं आपको यहाँ पर सेट करके बताता हूँ, अभी ये वाला कलर है, लेकिन जैसे आप लोग इसको यहाँ पर डन करोगे यहाँ पर आपका फोन का जो लुक है वो पूरा यहाँ पर चेंज हो चुका है। आप लोग आई जैसा कि देख तो यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है उसका जो लुक है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और जैसे आप लोग फोन डायलर है उसको यहाँ पर ओपन करते हो इसका जो कलर है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, और अगर किसी का फोन आता है उसको आप लोग कट करते हो इसका भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से लुक है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर अपना जो कैलेंडर है क्लॉक एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर यूज करते हो इसके अंदर भी आप लोगों को जो कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है, और जो आप लोगों की कैलकुलेटर एप्लीकेशन है इसके अंदर भी आप लोगों को मटेरियल यू डिजाइन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसका नेम है कलर पैलेट। अब इसके अंदर भी आप लोगों को एक चेंज है वो यहाँ पर ये देखने को मिलता है, यहाँ पर जो आपको आइकन पैक है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कलर पैलेट है उसको यहाँ पर ओपन करते हो अप्लाई पैलेट टू एप आइकन, इसको आप लोगों को यहाँ पर डन कर देना है। अब डन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर बैक आ जाना है। अब गाइस बैक आने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सैमसंग की जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है उनके जो कलर है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुके, जो कि दिखने में बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। मेरी आई से तो ये बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को कैमरा है उसके अंदर कैसे यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग का ये ब्रांड न्यू फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में पर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।